टाइम, और उससे ही सुबह की प्रिपरेशन शुरू हो गई। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, बच्चों के ऑफ हो चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो एज यूजुअल तन्मय आज फिर घर पर नहीं है। वो हम सबसे पहले उठकर गेट खोलकर बाहर जल का छिड़काव कर वो अपनी शाखा में जा चुके हैं, और मैं इस समय अपने किचन में हूँ। जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, बच्चों के लिए मैक्रोनी बनानी है, तो उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। वेजिटेबल चॉप्स हो गई हैं पूरी, और मेरे लिए मैंने अपने लिए एक चाय भी बना ली है, क्योंकि जब स्कूल जाना होता ना, तो बस ऐसे दौड़ते भागते हुए चाय पी कर जाती हूँ, इसलिए मैं क्या करती हूँ, उससे पहले ही अपनी चाय पी लेती हूँ। एक कप चाय तो मैं सुकून वाली पी लेती हूँ। और किचन में जैसे आप सुन रहे हैं, मेरा भजन चल रहे हैं। अरे भजन रुक गए हैं, ऐड आ गया है, ऐड आ गए हैं। और मैक्रोनी की प्रिपरेशन हो गई है। इधर मेरा प्रसाद थोड़ा सा व्रत का सील गया, बारिश की वजह से ना सील गया था ये, तो मैंने इसे दोबारा रोस्ट कर लिया है अच्छी तरीके से, जिससे कि मैं इसे थोड़ा सा स्कूल ले जा सकूँ नाश्ता करने के लिए। फाइन, बाकी ठीक है। ऐसे बस मैं रोज़ सुबह मॉर्निंग किचन में अपना वर्क करते 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 भजन लगा कर रखती हूँ भगवान जी के, और वो भी सुनती रहती हूँ, और आराम से अपना काम भी करती रहती हूँ। यही करती हूँ मॉर्निंग में, इससे क्या होता है, माइंड भी फ्रेश हो जाता है, और मॉर्निंग में ही हमारे अंदर पॉजिटिव थिंग्स आ जाती हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं कि हमारे को, क्योंकि स्टार्टिंग दिन की शुरुआत तो देखिए भगवान को याद करके ही करनी चाहिए। हमारे पेरेंट्स ने भी हमें यही सिखाया, और यही हम भी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, तो ऐसे ही कल्चर एक के बाद दूसरे के अंदर आते हैं। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। मॉर्निंग में बना कर गई थी मैं मैक्रोनी, जो उन्हें नहीं खानी थी, तो अब उनका फ़ोन आया है कि मैं आ रहा हूँ, कुछ लंच में बना दो, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो अब मैं जल्दी जल्दी प्रिपेयर कर रही हूँ पुलाव, तो पुलाव बनाती हूँ, आने वाले होंगे। चावल मैंने अंश को ही कह दिया कि फटाफट चावल एक गिलास भिगो दे, चावल भीग गए हैं, और ये मेरा मटेरियल रेडी है, आलू मटर और थोड़ी सी हरी मिर्च, अनियन वगैरह डाल नहीं सकते, और मेरे बच्चों को शिमला मिर्च पुलाव में बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और मैं खाऊंगी खीरा, ये मेरा लंच है। मोटी बुक देखकर मुझे तो चक्कर आ गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं पढ़ूंगी कब, समझूंगी कब, और उसमें जो टॉपिक्स आ रहे हैं ना, ये सारे अंश ही मुझे पढ़ाएगा आप। तो आज से अंश आप मेरे गुरुजी हैं। ओके अंश, मेरा आशीर्वाद हमेशा आप पे है। अब तूने ही मुझे पढ़ाना है बेटा, मेरे बस की तो है नहीं, मैं तो बुक देख कर ही था, मुझे तो चक्कर आने लग गए कि भगवान इतनी मोटी बुक कैसे पढ़ूंगी, क्या करूँगी, ऐसे ऐसे टॉपिक बीच में दे रखे हैं जो कभी हमने 10th 12th में पढ़े थे। चलिए होप फॉर बेस्ट, देखते हैं। अब एक चीज़ और लेने जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं अभी बताऊंगी आपको। ले लिया ना, डन खर्चा पहले बुक ली अपने लिए मैंने, और उसके बाद फिर आए हम अपने वीडियो के लिए स्टैंड वगैरह लेने, और अब मेरा बेटा मुझे लेकर आया है यहाँ पर
ही सेज कि अपने फ़ोन में लैमिनेशन कराओ, बैक लैमिनेशन। खर्चे पे खर्चा करवा रहा है ये लड़का मेरा। मेरठ की बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ ये मुझे लेकर आया, लेकिन नीचे भी है और ऊपर भी है, ऊपर की लाइन में भी है। तो अब यहाँ आए हैं, अभी सिलेक्ट किया है मैंने, एक मैं आपको दिखाऊंगी मैंने अपने फ़ोन का लैप में कैसे किया है, ठीक है। उसके बाद फिर आप बताइएगा लाइक कमेंट करके कि आपको कैसे। हाय, तो हम लेकर आए हैं अपना ट्राइपॉड विद सेल्फी स्टिक। इसलिए अंश मुझे यही मार्केट में लेकर गया था दिलाने के लिए। तो अब देखिए मैं इतनी दूर से भी बना पा रही हूँ और पास से भी बना पा रही हूँ, तो आप मेरे को हर तरह से देख रहे हो। मैं भी देखिए आपको अब ऐसे घुमा कर अपना पूरा घर भी दिखा सकती हूँ, हमारा छोटा सा प्यारा सा घर है ना। ये राधे, राधे के लिए तो बहुत ही सरप्राइज है। और मैंने अपने फोन में ना अंश ने एक और बहुत अच्छा वर्क काम करवाया, लेमिनेशन करवाई है मेरे फोन में, वो मैं आपको अभी वीडियो के बाद दिखाऊंगी, ठीक है। राधे कैसे लग रहा है आपको? इतना बढ़िया लग रहा है ना, अब तो अगर मुझे भी कुछ करना होगा ना मम्मी का, अगर काम कर रहे तो मैं भी ऐसे बना सकता हूँ मम्मी के लिए। हाँ बिल्कुल बना सकती हूँ मेरे लिए, अगर मैं दूर भी खड़ी हुई हूँ। और पता है इसमें सबसे कितना नया फीचर है, ये सेल्फी स्टिक भी बन सकता है, ये ट्राइपॉड भी बन सकता है, ये शॉर्ट मतलब शॉर्ट कैमरा होल्डर भी बन सकता है। माई गॉड, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँचती जा रही है। ओके, सेल्फी स्टिक देखा, इसमें ना मैं सुंदर भी दिख रही हूँ। अना राधे, ये आए बहुत लेट हो गए मार्केट के चक्कर में, सारा काम हो गया गड़बड़। और राधे इतना खुश है ना हमारा स्टैंड देखकर, ट्राइपॉड देखकर, राधे की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। कैसा लग रहा है राधे को? एकदम बस अभी एकदम झकास लग रहा है, झकास। अरे मेरे हाथ में तो अब रहेगा कम, ये तन्मय ही करेगा, अब इसमें जो भी खुराफात करेगा जैसा भी करेगा। गाइस कल से मैं करूंगा व्लॉग ऐसे। लेकिन अभी हमारे को हमारे इंजीनियर साहब सिखा रहे हैं कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, कौन सा बटन दबाना है, कैसे ये ट्राइपॉड बनेगा, कैसे ये सेल्फी स्टिक बनेगी। और हमारे इंजीनियर साहब हमने यो है ये यो। नमस्कार, I am at a smoothing and no buzzing and khana nahi baning. Okay, chaliye banate hain. Aur ab mujhe aapko apne phone ka lamination bhi dikhana hai.